बात अगर मैं मेरिट की करूं तो मैं इस पेपर की तुलना कर रहा हूं पीछे आरएस प्री के पेपर से, सेम टू सेम, एम टू सेम, एसओ एज इट इज, उसके जैसा ही लेवल इसका था, जैसा लेवल, जबकि आरएस प्री के अंदर तो सिर्फ जीके ही तो था, जीके जीएसई तो था। ग्राम सेवक बनने के लिए उसे इंग्लिश भी आनी जरूरी थी, हिंदी भी जरूरी थी, मैथ भी जरूरी थी, रीजनिंग ये पास करने के लिए, जबकि आरएस के अंदर तो जीके से पास हो रहा था उसका करंट और जीके से, चलो मैथ रीजनिंग थी लेकिन नया आए तो भी प्री उसका हो जाता है। इन दोनों पेपर की तुलना करो, आरएस में कितने लेवल के बच्चे बैठते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उसका, फिर भी उसकी मेरिट 45 आरएस की, पास कितने किए, मात्र 20,000, यानी 20 से 25,000 स्टूडेंटों में 45। यहां कह रहे हैं हम 1,00,000 पास करेंगे, लगभग 1,00,000 समथिंग पास बच्चे होंगे, यानी 70-80,000 मान लो, लाख मान लो, तो तुम सोच सकते हो कि मेरिट क्या रहेगी। इसका मतलब मेरा यह मानना है, पहली बात, मेरिट का निर्धारण कोई अध्यापक कन्फर्म नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता कि 58.70 रहेगी। मेरिट का निर्धारण जो भी अध्यापक करेगा वो अमूमन की जाती है, यानी मैं मानता हूं कि जो 50 के लमसम है, कितने के, 50 के, जिसका 50 कट छंट के, जिसके 50% बच रहे हैं, कट छंट के तो इसमें नेगेटिव है ही नहीं, जिसके सही 50 बच रहे हैं वो अच्छी दौड़ के अंदर है। 60 वाले तो निश्चित होके बैठे, उन्हें तो मेहनत की तैयारी टेंशन लेनी नहीं है। 50 का मतलब ये हुआ कि 45 भी रह सकती है, जो जनरल ओबीसी की मेरिट, 55 भी रह सकती है, ये 50 एक बीच का आंकड़ा है। ऐसे नहीं कह सकता आप, कोई कहे गुरु जी मेरे 49 बने तो मेरा बताओ थे तो 50 बोले, 49 वाले का भी हो सकता है, 52 वाला भी रह सकता है, क्योंकि 50 के अमूमन का मतलब 45-55 इसके मध्य को रहेगी, 50 के ऊपर है उस बच्चे को मैन की तैयारी। अब बात है कि सर मैन का अभी तक सिलेबस, और ये मेरिट सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, सरकार पता नहीं क्यों ग्राम सेवक के मेन पेपर से पहले अगर सरकार पटवार का रिजल्ट जारी कर देती है और पटवार वालों को अगर ज्वाइनिंग दे देती है तो 5,000 बच्चे, वो भी तो इसके अंदर है, वो इंटेलिजेंट है सारे जो पटवारी लगेंगे, वो बच्चे 5,000 अगर मेन का पेपर नहीं देते हैं तो उनमें मेन के सिलेक्शन के और चांसेस बनते हैं। सरकार अगर रीट वालों को ज्वाइनिंग दे देती है तो भी और नीचे आ जाएगी मेरिट, किसकी, प्री की तो जो होनी है वो नहीं, मैन की बात करते हैं। सरकार से ज्यादा इसको करवाओ कि जल्दी से जल्दी पटवार का रिजल्ट घोषित करके और उन्हें ज्वाइनिंग दो, क्योंकि 5,000 वो बच्चे वरना फिर दोबारा यहाँ फंसेंगे और दोनों जगह करके, और वही समस्या आएगी बेरोजगारों की। इससे अच्छा है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाए, 5,000 कम से कम नए तो लगे, तो उनको ज्वाइनिंग मिलती है तो ये मान लो कि जिस बच्चे का प्री क्लियर हो गया है जैसे तैसे हो जाएगा, जिसके बस के 50 से ऊपर बच रहे हैं उसके ग्राम सेवक बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं।